कहीं फंसना नहीं, मैं सब सच कहता हूँ आपकी कसम। मैंने पिया नहीं विस्की बियर या रम, माधुरी दीक्षित मिली रास्ते में, खाए चने हमने सस्ते में, उसने कहा तेरे संग शादी रचाऊं। की दादा मात बात नहीं खिलाएगा? 3 महीना से लॉकडाउन में धंधा चौपट है, होटल खोल ही नहीं रहा अभी हम, कहाँ से खिलाएगा माजा तुमको? देखो दादा, पूरे कोरोना का तो पता नहीं, लेकिन बंद दीवारी में दम घुट के मर जाएगा अभी। अरे तुम तो पूरे फ्रस्ट्रेटी आ गया है। अरे हमारे पास है वो प्लान, रुकिए कॉल मिलाते हैं रामू और कांता को, फिर बताते हैं पूरा प्लान। लो मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे और भाई रिक्शा चालक, कैसा चल रहा है लॉकडाउन तुम्हारा? ए मियां कैसा चलेगा लॉकडाउन, धन्नो बाहर निकल रही है, सोचा इसको नहला दूं, क्या पता लॉकडाउन के बाद रुट जाए। अरे धन्नो छोड़िए महाराज, आपको बाहर निकलना है कि नहीं? हमारे पास एगो मस्त का प्लान है। अच्छा बोल रहे थे क्या, छेनूडा लाइन पे है और हम कांता भाई को भी लेते हैं लाइन पे, जाइएगा मत। एक मिनट सुनिए तो। ड्रीमम बेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम, और मैं दोबारा नहाने गई थी, तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रखो। काय साला काय कॉल कर लियो तू, पीछे छाड़ी बुनना मोरो तू। क्या बोले मैडम, समझ में तो नहीं आया लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या रे क्या काम है बोलना? बोले छेनूदा रामू भी लाइन पे है, काम तो किसी का चल नहीं रहा है, हम बोल रहे थे आइए ना मेरे सलून पे, गप सप मारेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे दादा तुम कुछ प्लान के बारे में बोल रहा था। अरे यही तो प्लान है ना, 4 महीना सब लोग घर में बंद है, बाहर निकलेंगे, सलून वगैरह बैठो, गप सप मारेंगे, खूब मजा आएगा ना। ओ मियां मैंने भर से तुम्हारा कोई खुशखबर रहता नहीं है, अचानक अपना प्लान लेके घुसा रहा हमारी जिंदगी में ना। कोरोना की वजह से होटल नहीं खोल रहा हूँ और तुमसे मिलने आएगा? नहीं मैं भी नहीं निकलेगी लॉकडाउन में बाहर। पहली बात तो ये कि हमारे घर पे नेटवर्क नहीं रहता है, आज हम सलून आया है तो सोचे तुम लोगों को कॉल मिला लेते हैं, और दूसरी बात ही कि हमारे पास कुछ व्यवस्था था, ठीक है अब तो है, तुम लोग तो आएगा नहीं, तुम सोच रहे अकेले पी लेने का। नहीं नहीं एक मिनट, हम किसी और को फोन मिला लेते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं भाई हमारा है, लेकिन आएंगे कैसे बाहर, तो वो अपना मामू लोग होएगा ना। हाँ अरे तो हम कैसे आए, अरे पीछे गली से आ जाओ ना, मस्त शरीर को ढकने का, पीछे गली से चिपचिपाके आ जाने का। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, पीछे गली से ही आना, आगे बहुत खतरा है। हाँ ठीक है ठीक है। बस मास्क लगा लेता हूँ, वैसे भी लॉकडाउन है, लोग तो होंगे नहीं बाहर। Oh.
भाई भाई भाई, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे विनोद बोला था पीछे रास्ता सामने के लिए। कैसा है? सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग। मार दिया। अरे अरे कांता को तो आने दो। हेलो मैडम भी आ गई। और मैडम तेरे जिंदगी में कौन सा तूफान आ गया? आते टाइम मेरा मरद बड़ा खुश दिख रहा था, अभी मेरे को लग रहा है वो कुछ कांड करने वाला है। मैं बता रही है, इस बार कुछ कांड किया ना आईची सपत छोड़ देगी मैं। अरे तो छोड़ दीजिए ना, हम रख लेंगे आपको, करेजा बैठा कर रखेंगे आपको। ये हलकट पागल है क्या? मैं तेरे साथ उठ बैठ जाती है, मंजे क्या कुछ भी बोलेगा? देख इसको समझा दे, शरीर के साथ साथ जुबान से भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेगा। हो गया विनोद, कितना लेगा यार, हो गया। सॉरी अच्छा हम ये बोल रहे थे कि यूट्यूब होता है ना, तो उसमें वीडियो के नीचे बोलता है कि जब बोलता है दिखा लाइक लाइक करें, तो बटन दबा के लाइक कर देते हैं, लेकिन फिर बोलता है वो क्या बोलता है उसको, सब्सक्राइब दादा। सब्सक्राइब बोलता है करने के लिए, तो लाल बटन दे देता है, उसको भी दबा देता है। अब फिर ससुरा बोलता है कमेंट करने के लिए, कमेंट में क्या लिखेंगे? अरे जो मन करे वो लिख दो भाई। हाँ हाँ, हमारा नाम बहुत अच्छा लगता है तो लिख दो उसमें विनोद। कौन सा वीडियो है दादा, हमको भी दिखाइएगा जरा। अरे रिंकी वीडियो ना देखता है, कोई बात नहीं होगा दादा, रिंकी आती है हमारे होटल में शनिवार को मांस भात खाने, हम तो उसे एक्स्ट्रा पीस भी देते हैं। एंड फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, उसका पूरा नाम रिंकी गांगुली है और हम हुए छिनु गांगुली। बस ये लॉकडाउन एक बार खत्म हो जाए, अच्छा मुहूर्त देकर प्रपोज कर देंगे, उसके बाद आमी हो जाएगा उसका सैया और तुम भैया। गोंगली गोंगली भाई बहन भी तो हो सकता है। रिंकी से कोई मजाक नहीं दादा। क्या कर लेगा बोलो? प्यार है हमारी वो। तुम्हें प्यार नहीं है, झांट है तुम्हारी, ऐसे बोलेगा तुम? और क्या तुम्हारा सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग समझा दो अपना। हाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं हम लोग यहाँ पे। साला तुम लोग क्या लड़की के लिए लड़ रहे हैं बे महाराज, इतना दिन बाद समझा उसको। अरे ठीक ठीक, पुलिस आ रहे, बाहर लॉकडाउन चल रहा है। सुनो मिजाज दुरुस्त करते हैं सबका, दारू खोलते हैं, चलो दिन थे यार। तुम लोगों को मालूम है झाड़ू पोछा करते टाइम मैं ना साहेब के वोटर से 2-3 ढक्कन मार लेती थी, फिर उतना ही पानी उसमें मिला के वापस कबर्ड में रख देती थी, बुड्ढे को कुछ पता ही नहीं चलता था। ए अभी इसका बहुत हो रहा है, हां इसको पक्का कोरोना है। मैं निकल रही इधर से, मैं भी निकल रहा हूं, मैं निकल रही। तुम लोग कौन हो बे? तुम कौन है दादा? सैलून बंद है, चल निकलो। अरे साहेब निकलो इधर से, कोरोना पेशेंट है इधर। अबे कहाँ जाओ बे अलीबाग से? अबे पूरा जोन जो है ना कंटेनमेंट जोन है और यहाँ कोरोना है, ठीक है?
में ही खाक दिया यार लो अब। ए जीजा, वो सब तो ठीक है, ये सब अंदर कैसे आया पूछिए। हमारे दोस्त का सलून है, हम कैसे भी आए तुमसे मतलब। देखो मुन्ना, ऐसा है, ये सलून है हमारा और हम जो है तुम्हारे दोस्त नहीं। और एक मिनट, कहीं तुम इसका बात तो नहीं कर रहे। कोरोना था बेचारे, एक महीने पहले ही गुजर गया। ड्रीमम वेकअपम क्रिटिकल कंडीशनम अर्थम क्वेकअपम हिलडल सब शेकअपम फेस टू फेसम धरती पोतरम।